आपका क्या शुभ नाम है? मनोज श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव यानी लाला जी, लाला समाज से आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप अगड़े समाज से आते हैं जी, ऊँची जाति से जी। तो आपका रुझान कहाँ पर जाने वाला है? विकास। विकास कौन किया है? यहाँ गिरीश चंद्र यादव ने किया है। गिरीश चंद्र यादव ने विकास किया है। और अगर आपने क्षेत्रीय स्तर पर लोकल विधायक की बात की, अगर हम आला कमान की बात करें तो योगी और अखिलेश यादव दो लोगों की जो है कि दिखाई जा रही पूरी लड़ाई, इसमें किसका चेहरा आप ढूंढते हैं? भाई जो विकास किया है योगी, जो विकास किया है योगी जी। आपका शुभ नाम? संदीप गुप्ता। गुप्ता, गुप्ता समाज का अक्सर ज़्यादातर रुझान बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, इसका कारण? अटल बिहारी से लेके योगी तक और मोदी तक जो भी आए हैं भाजपा में, सब काम अच्छा किए हैं, ये लोग विकास किए हैं। अब बाकी जो भी आए हैं अपना जेब भरे हैं, खर्चा निकाले हैं और साइड हो गए हैं। आज के 10 साल में जितना परिवर्तन आ गया है अपने यूपी में, तक किसी भी नहीं आया था। हमारा राम मंदिर का भला हो गया है। आपका शुभ नाम क्या है? साधु यादव। यादव समाज से, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अरे भाई, यहाँ गिरीश जी ने तो विकास किया है, तो यहाँ जो है गिरीश के साथ ही रहेंगे। हाँ, और प्रदेश लेवल पर? प्रदेश लेवल पे तो अपने अखिलेश भैया हैं। अखिलेश भैया हैं, ऐसे कैसे? वहाँ अखिलेश भैया हैं, यहाँ गिरीश यादव हैं। बताएं आपको, इसलिए योगी जी गिरीश भैया तो अखिलेश भैया तो बहुत घेरते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो भी अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, ख़राब है, किसी विपक्ष को ऐसा मत कहिए। इनके में भी 40 यादव लड़ रहे हैं, बीजेपी में भी। कितने यादव? 40 यादव प्रत्याशी हैं। हाँ, 40 यादव प्रत्याशी। 40 यादव प्रत्याशी हैं। 40 यादव प्रत्याशी हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि यादव अछूत जात में आते हैं, कौन कहता है यादव अछूत जात में? नहीं, अभी एक भाई साहब ने बताया कि गंगा जल से क्यों, अखिलेश यादव के आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया था, अभी एक भाई साहब ने कहा आपको। उन्होंने ये सब, कोई आप भी बैठते हो, कोई बैठता हो, कोई दूसरा जाएगा गंगा जल से धुलवाए या साबुन लगा के धुलवाए, वो बात अलग है। लेकिन क्या है, यादव वैदिक क्षत्रिय हैं, हमेशा यादवों का राज रहा, हम यादव चंद्रवंशी हैं, आद क्षत्रिय हैं हम, आप समझे। और हम अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आने लगे थे जी, तो इसको कैसे देखते हैं? भगवान कृष्ण आने लगे थे, भगवान कृष्ण तो है ही है भाई, जहाँ भगवान तो आएंगे ही ना। योगी जी कह रहे हैं ये सब चुनावी है। ये कुछ नहीं, वास्तविक है। मैं तो कहता हूँ, कोई अगर कहीं दर्शन करने जा रहा है भगवान का, तो कोई अगर उसको यादव मिल जाए रास्ते में, तो उसका पूजा पाठ करके उसको खिला पिला करके वापस चला जाना चाहिए, उसका दर्शन वहीं से पूरा हो गया। उसके बाद अन्य कोई भी आदमी। आपका शुभ नाम? अजय कुमार राजभर जी। आपसे बात नहीं हुई ना? तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर को देखे ही होंगे जी जी, देखे। ऐसा नहीं था, देखते हैं, क्योंकि ऐसा है जो देश भक्त होता है ना, वो देश ही भी मरेगा। ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, वो अपना क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को उनको अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसके बाद अब वो अपना करें, हमको समाज, राजभर जो समाज है वो अपना देश देखेगा, अपना देश के हिसाब से चलेगा। सर, यहाँ सब लोग बीजेपी के साथ हैं जी, देखिए, क्योंकि बीजेपी इस हमारे साथ में है, बीजेपी से हमें कोई लेन देन नहीं है। बीजेपी धरती से लेके आसमान तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है। जितने माफिया डॉन थे, सुनिए, यहाँ जितने माफिया डॉन थे, चाहे अतीक अंसारी हो, चाहे जो है मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इन्होंने सबको जो है हटाया है, सबको नीचे दबाया है। लेकिन कहा जाता है कि केवल जाति धर्म देखकर ये सब किया गया है, गलत बात। ये सब मुसलमान लोग का वोट, औरतों का वोट बीजेपी को ही जाएगा। औरतों का बीजेपी को ही जाएगा? हाँ, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तीन तलाक की वजह से? पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, लोगों ने दिया था, इस बार भी जो पढ़े लिखे हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को जाएगा, यही कह रहे हैं? हाँ, जी बिल्कुल जाएगा। लोगों को ये कैसे पता कि मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी, ये कैसे पता? अनुभव है, अनुभव ने पूछा भी था।